अच्छों ने अच्छा कहा, बुरे ने बुरा कहा हमें। अच्छों ने अच्छा कहा, बुरे ने बुरा कहा हमें। जिसका जब जितना ज़रूरत हुआ उसने उतना ही पहचाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे यहाँ पे तो कोई माइक वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है, मगर फिर भी साइकिल चलाते वक्त इतना बढ़िया साउंड कैसे आ रहा है? तो जुगाड़ जुगाड़ तो हमारे फोन में ही दौड़ रहा है ना। मतलब वो जो पूरा का पूरा जो माइक है ना, वो माइक मैंने पूरा का पूरा, वो जो ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड पे सेट किया माइक। और बोया का माइक तुम लोग यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं पर भी सर्च कर लो, कितना बड़ा लेंथ होता है। मतलब नॉर्मल माइक से कंट्रोलर तक 1 मीटर या 2 मीटर का लेंथ होता है, और कंट्रोलर से जैक तक 2 मीटर का लेंथ होता है। टोटल 4 मीटर का जो तार है वो मैंने सेपरेट करके पूरा का पूरा एक साथ लगाया, वो भी ट्राईपॉड में। और फिलहाल तो मैं अभी मध्यम ग्राम में जा रहा हूँ, मतलब हर संडे की तरह। अब पिछले संडे नहीं गया था क्योंकि पिछले संडे वो लोग नहीं थे। दोस्तों अभी तुम लोग जो शॉट देख रहे हो ना, कितना स्टेबल है वो देखो गाइस। मतलब ट्राईपॉड से बहुत ही अच्छे से एक स्टेबल शॉट आ तो जाती है। मतलब ट्राईपॉड का यही फायदा है। और इस रास्ते, मतलब ये वाला जो रास्ता है वो बहुत ही खाली होता है, तो इसीलिए मैंने मोबाइल को निकाला इसीलिए मैंने मोबाइल को निकाला ताकि मुझे अच्छे अच्छे टाइम लैप्स मिले। और इस साइड पे तो एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ दूर आगे चल के ही एयरपोर्ट पड़ेगा, तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। तब तक तुम लोग अच्छे से टाइम लैप्स एंजॉय करो। आज वेदर भी बहुत ही आई प्लीजिंग वेदर है। मतलब यहाँ पे देखो, फाइनली मुझे बहुत दिनों बाद ऐसे नीला आसमान देखने को मिला है। पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, मुझे तो स्क्रीन में दिख नहीं रहा है अभी, मगर इमेज प्रोसेसिंग के बाद शायद हो जाएगा। इमेज प्रोसेसिंग नहीं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही डायरेक्ट सनलाइट में हूँ ना, तो इसीलिए स्क्रीन अच्छे से ढंग से दिख नहीं रहा है। ऑल दो मुझे नीला नीला तो महसूस तो हो ही रहा है जो आसमान है। और ये देखो, गाड़ी का भगोड़ा बन चुका है, बहुत ही बेहतरीन दृश्य है ये। खैर, वहाँ पे जाके थोड़ा सा बैठूँगा, जैसे कि हर रोज़ बैठता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इधर आ चुका हूँ, यहाँ पे काफ़ी धूप भी निकला हुआ है और बहुत ही गर्मी वाला वेदर तो है। गर्मी तो पड़ चुकी है ऑलरेडी, मगर फिर भी मौसम जो है काफ़ी एकदम सेटिस्फाइंग मौसम है अभी तक। मगर भाई मार्च के एंड तक भाई बहुत ही तगड़ा वाला गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि अब तक जो सर्दी का रिकॉर्ड रहा है ना, फेब्रवरी का एंड तक सर्दी होते आ रहा है। मतलब इस बार गर्मी बहुत लगातार, मतलब तगड़ा वाला पड़ेगा। खैर, आज भी कुछ खास चार्ज नहीं है, बहुत ही कम चार्ज है, 50% के भी नीचे चार्ज है। और मुझे ये चार्ज लेकर रात को 9:30 बजे तक चलाना है, तो बहुत ही दिक्कत वाली मामला हो जाएगा आज तो। खैर, अभी तो थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेंगे, हवा का मज़ा लेंगे, उसके बाद मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो सीट है वो रिज़र्व हो चुका है। चाहे लोग बस पकड़े या ना पकड़े, यहाँ पे बस आती भी नहीं है, रुकती भी नहीं है। मगर तुम लोग जैसे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पीछे भाई बैठने की जगह पूरा फील हो, मतलब आके ऐसे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं भाई, पता नहीं क्या करते। खैर, कल कुछ अलग प्लान है मेरा, देखते हैं क्या प्लान हो पाता है कि नहीं। मतलब जो प्लान तो मैं बहुत सारा कुछ करता हूँ, मगर वो प्रोसेस हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है इन दिनों। और देखो भाई गाइस, मतलब मेरे दाढ़ी भी बढ़ चुका है, आज कटने वाला था, मगर भाई क्या ही करूँ, उधर से आया, वोट दे के आया, तुरंत बस ब्लॉग को एडिट करने के लिए बैठा। आधे घंटे के अंदर वो ब्लॉग एडिट हुआ, कल का ब्लॉग एडिट करके उसके बाद तुरंत बाद अपलोड कर दिया। ज़्यादा देर नहीं लगा, 10 मिनट लगा अपलोड होने में। तुम लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ। देखो, मैं दाढ़ी भी नहीं कटा हूँ, दाढ़ी कटना बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि भाई गर्मी में ना ये दाढ़ी बहुत ही दिक्कत देती है। पता नहीं लोग जो लोग बियर्ड रखते हैं भाई कैसे रखते हैं, मुझसे संभाला नहीं होता, लिटरली गाइस मुझसे मैं संभाल नहीं पाता हूँ दाढ़ी। और दाढ़ी रखने पर भी मतलब मुझको
बंदर जैसे लगते हैं, और मुझे भी फील होता है कि मैं बंदर बंदर हूँ ऐसे करके। वैसे भी शक्ल कुछ खास नहीं है तो दाढ़ी रखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा दाढ़ी तो कटवाऊँ मगर दाढ़ी को थोड़ा सा शेप करूँ, मतलब शेप मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है ना मार्किंग करके ऐसे कुछ करके वो मैं करूँ। अगर वो मुझे पसंद ना आया तो मैं पूरा का पूरा क्लीन शेव भी कर दूँगा, मूछें रखूँगा, मूछें नहीं मुनवाऊँगा, मतलब मूछ तो मर्दों का पहचान होती है ना, तो इसीलिए। तो तुम लोगों में बहुत ही एक चीज़, जो जगह पे मैं ऐसे घूमता हूँ ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चीज़ है, मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। उनको देख रहे हो कि इस ग्रिल के उस पार बहुत ही अच्छे अच्छे फूल है, रुको फोकस एक बार हो जाए, हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे फूल है। भाई साहब क्या तेज़ी से फोकस पकड़ रहे हैं ग्रिल में और ये पे, एक मिनट में कैमरा को ऐसे मूव कर रहा हूँ, अभी नहीं, हाँ ऐसे करके देखो भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऐसे, मतलब पूरा का पूरा जगह पे जितने भी है यहाँ पे जगह है वहाँ पे भी जगह है, पूरा का पूरा जगह पे ऐसे फूल बिछाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा ब्लॉग नहीं खींचते, मतलब ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे आज, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है, आज के वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते कल विद अ ब्रांड न्यू ब्लॉग एट 12 PM। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बी हैप्पी एंड बी सेफ।